हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस डेटा को, पूरे वीडियो को मैंने आज निफ्टी एक्सपायरी बजट था आज, और कल रात फेड था, उस सब इवेंट्स के बाद ये जाके क्या किया है आज पार्टिसिपेंट्स ने, सबसे ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स उस बेस पर बनाया। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया। तो FII का आज फ्रेश लॉन्ग है और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है अभी भी, बट वो नेट शॉर्ट है 80,000 इस मार्केट के। आज के टर्बुलेंट मार्केट, टर्बुलेंट थोड़ी देर के था, उसके बाद तो पोस्ट बजट तो एकदम शांत एक जगह में चिपक गया था न जाके नैरो रेंज में। तो उसमें उनका ये आज का परफॉर्मेंस है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और शॉर्ट कवरिंग भी है। इवेंट खत्म हो गया, अपना हेज कम किया उन्होंने। प्रॉप डेस्क बहुत कम लॉन्ग एडिशन, और ठीक है इवन दो 1:10 लग रहा है फ्रेश शॉर्ट, पर ओवरऑल क्वांटिटी एक्सपोजर आज बहुत ज्यादा नहीं था प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स का भी बहुत कम लॉन्ग अनवाइंडिंग, और काफी ज्यादा उसके सामने हमने उनका फ्रेश शॉर्ट्स देखा। तो प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स दोनों एक ही कश्ती में आज, दोनों का सेम। प्रॉप डेस्क का थोड़ा लॉन्ग है, बट क्लाइंट्स का सिर्फ शॉर्ट था आज मार्केट एकदम। इंडेक्स ऑप्शंस में FII का स्टैंड जो था अब थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, जाके आप देख सकते हो सिर्फ 65,000 नेट शॉर्ट, अभी भी नेट शॉर्ट 65, पुट्स थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने, तो थोड़ा सा आप बोल सकते हो ये जो पुट पोजीशन है ये मे बी कल सुबह बजट के बाद अभी जो फाइन प्रिंट में सब समझ में आएगा कि कोई ऐसा क्या हुआ। प्लस रिजल्ट सीजन अभी भी ऑन है, काफी रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ रिजल्ट्स का रिएक्शन काफी नेगेटिव भी हुआ है, तो वो हिसाब से भी एक हेज हो सकता है अभी मार्केट में। बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड नहीं है FII का मेरे मेरे रीडिंग। प्रॉप डेस्क का जो काफी बेरिश थे अभी भी वही बेरिश टोन है। देखिए निफ्टी के एक्सपायरी के बाद भी 2 लाख का क्वांटिटी शॉर्ट है, और यहाँ 9,000 की जगह 18,000 पुट हो गया उनका, लगभग 1:1 पुट लॉन्ग और कॉल्स में डेफिनेट शॉर्ट करके अभी भी अपना पोजीशन बरकरार रखे प्रोग्रेस ने। क्लाइंट्स क्योंकि आज एक्सपायरी थी अपना बुलिश ट्रेंड को और कंटिन्यू किया है, इवन दो उनका कॉल नेट लॉन्ग कम हो गया है, बट पुट देखिए -28 से 143, काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजिशन बनाते हुए क्लाइंट्स इधर बुलिशनेस का। स्टॉक फ्यूचर्स में FII का 1:5 जैसा, लगभग 1:5 से थोड़ा कम शॉर्ट्स का पोजीशन बनाया, यहाँ एक बेरिश ट्रेंड लेते हुए FII। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग कम करते हुए। प्रॉप डेस्क इस समय का ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 11,800 लॉन्ग, 9,500 शॉर्ट। ये तो कोई रिजल्ट बेस्ड या सेक्टर रोटेशन बेस्ड भी हो सकता है इधर में। क्लाइंट्स यहाँ सुपर डुपर लो 30,000 लॉन्ग करके गए और 7,000 कुछ शॉर्ट भी है क्लाइंट्स के। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट हुआ है चेंज, ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि सेम सेगमेंट में आपको मिलेगा। कई बार स्टॉक 5 ट्रेडिंग डे में अपने इंटरिम सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर आ जाता है, एक शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव कर लेता है। तो बट क्योंकि OI काफी बड़ा चेंज है, तो शायद आपको कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है इनमें से। पुट कॉल रेशियो में बहुत नॉमिनल चेंज, बहुत नॉमिनल एडवांस डिक्लाइन। आज का 1 एडवांस के सामने 2 डिक्लाइन था। बजट डे रिजल्ट इंपैक्ट भी बहुत है इस समय उस हिसाब से, बट बजट ओवरऑल एक नॉन इवेंट वाला बजट था। वोट ऑफ अकाउंट कुछ चेंजेस ही नहीं थे बजट में, तो मे बी जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन इधर उधर हुआ वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस में भी हो सकता है कि इस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा वैसा उस हिसाब से। कैश सेगमेंट में आज FII वापस सेलर थे 1,879 करोड़, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 872 करोड़ बायर, बाकी का 1,000 करोड़ बाइंग प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिल के किया। स्टॉक ऑप्शंस में FII का थोड़ा सा 1:1.5 का स्प्रेड है, पुट ज्यादा बाइंग किया है, 2 पुट के अगेंस्ट में 1 पुट शॉर्ट करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैवी ड्यूटी कॉल सेलिंग करके गए। इवेंट खत्म, बहुत सारे रिजल्ट्स भी आउट, बहुत सारे पेंडिंग है अभी भी, तो अपना वो पोजीशन बढ़ाते हुए जो उनका नॉर्मल रूटीन होता है पहले वीक में ही लगभग 75,000 पहुंच गए। प्रॉप डेस्क
एक के सामने तीन कॉल स्प्रेड किया है और 1:1 का पुट स्प्रेड करते हुए प्रॉप टेस्ट, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट स्टैंड लगता है, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट दोनों साइड का पोजीशन है उनका, तो थोड़ा बेरिश स्टैंड स्टॉक ऑप्शंस पर प्रॉप डेस्क का। क्लाइंट्स, क्योंकि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, न ऑप्शन सेलिंग न फ्यूचर ट्रेडिंग, इसीलिए ये वॉल्यूम ज्यादा दिखता है। और आज फिर से वही दिख रहा है, कल हमें पुट में ज्यादा बाइंग दिखा था, आज हमें कॉल में वापस इवेंट खत्म और बहुत जबरदस्त बाइंग आते हुए कॉल्स में, पुट्स में ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड बनाते हुए क्लाइंट्स। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल व्यू नहीं है, ये टोटल वीडियो ऑन एजुकेशनल बेस में, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स को लेके। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी ठीक से करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है 10,740.9, मतलब ओपनिंग टिक से सेलिंग प्रेशर, ओपनिंग टिक के ऊपर मार्केट एक डॉट भी इसका इंडेक्स का मूवमेंट नहीं आया, एक स्टेज में काफी वीक था ये। इनफैक्ट आज मिड कैप स्टॉक्स में काफी सेलिंग प्रेशर था, जो निफ्टी भी स्ट्रांग था उस समय, बैंक निफ्टी भी अप था, बट ये नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर था। टुवर्ड्स द लास्ट 1 आवर, 2:30 बजे के बाद हमने थोड़ा रिकवरी देखा 540 से 630, 90 पॉइंट्स का, बट ओवरऑल हैवी सेलिंग प्रेशर में था। तो उस हिसाब से कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,740 का है और सपोर्ट 10,500 पर है अब इस समय इसका। तो चलिए इसके भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं और ऑप्शन चार्ट को, 10,650 और 600 का चेक ट्रायंगल को चेक कर रहा हूँ, तो 650 में एकदम लो के पास, क्योंकि आज प्रेशर बहुत जबरदस्त था इसमें फुल डे, और देखते हैं क्या हमें सपोर्ट कहाँ मिलता है इस पूरे मूव का। तो यहाँ पर 1.27, 1.41, 1.13 लगाया मैंने, सपोर्ट है आपका 55, 50, 44, 35, उस हिसाब से डाउनवर्ड डाउनवर्ड प्रेशर। अगर कल कंटिन्यू हुआ, वैसे मंडे एक्सपायरी है इसकी, रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है, सीधा इधर 95 पर है, उसके पहले एक छोटा मामूली सा 85 पर है, बट ओवरऑल 95 पर पहला, उसके बाद सीधा आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड में एकदम एक दो कैंडल है डेफिनेटली, 120, 120 से 140 तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। फिलहाल 90 निकाले, फिर हम बोलेंगे यस मोमेंटम पिकअप हो रहा है फॉर 120, 140 इसका। 10,600 का पुट देख रहा हूँ एकदम लोस पर, क्योंकि वो जो लास्ट 1 घंटा में रिकवरी आया उसमें एक स्लैश फॉल है इस पुट का, और इसमें कहाँ है सपोर्ट, सपोर्ट 45, 30 और फिर तो गेम ओवर जैसा है, देखने का फायदा नहीं उसके नीचे 45, 30। रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर है सीधा रेजिस्टेंस, सीधा इस लेवल पर ये 90, 95 पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधा 120 के पास, 115, 120 फिर और ऊपर है, पर 95 भी निकालना इतना इजी नहीं होने वाला है। देखिए नॉन स्टॉप गिरा है, यहाँ से 95 निकालना उतना इजी नहीं होगा, 95 निकालेगा तो यस 110, 120 वो और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस होते जाएगा इसके लिए। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसका, तो ऑप्शन चेन में आज राइटर आ गए 10,600 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन करते हुए, यहाँ यहाँ थोड़ा इन द मनी पुट्स में स्क्वायर ऑफ भी है, ये देखिए 775, 800, 725, 700 यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा नहीं है बट है, और ओवरऑल आप देखो राइटिंग सिर्फ एक ही जगह है 10,600, मार्केट का ध्यान इधर इतना नहीं है, थोड़ा सा इधर है वो है 10,650 पर, 10,700 पर भी है बट, और फिर सीधे नीचे 10,500 पर, ये पहले का राइटिंग है, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है ये, ज्यादा एडिशन नहीं देखने को मिल रहा है, देखने को सिर्फ 10,600 पुट,
पुट राइटर कॉन्फिडेंट नहीं। आज का कैंडल काफी डरावना कैंडल था, इसमें जिस तरीके की हमने मिड कैप में आज सेलिंग प्रेशर देखी। कॉल साइड में एडिशन है 10,600 पे, ये लगता है जो मार्केट 2:30 बजे तक जब वीक था पहले, तब के राइटर है मोस्टली, वो बाद में उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है 10,600। ऊपर में 10,650 भी है, 625 भी, सब जगह राइटिंग हैवी राइटिंग 10,700 पर, और फिर 750, क्योंकि 10,740 अपना ओपन इक्वल टू हाई उसके ऊपर भी। बट अगेन ऐसा राइटिंग टिपिकल ऐसे सेलिंग प्रेशर वाले डे पर, तो यस नॉर्मल है इस तरीके का व्यू हमें देखने का। और 10,625 का पुट कॉल रेशियो बेरिश ही है, 700 का अच्छा है, तो ये क्रूशल है 600 वाला लेवल। देखते हैं ये, क्योंकि ओआई इतना स्ट्रांग, ऊपर से एडिशन भी है, देखते हैं ये संभाल पाता है कि नहीं। और इस साइड में मेरे लिए तो 740 स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है, और उसके पहले मैं 700 को भी एक बार देख लेते हैं क्या कैसे मूव करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज इधर में ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स रहा मिड कैप सेलेक्ट लास्ट 1 साल का, और अगर इसमें प्रेशर आ जाता है सेलिंग का, तो ये शायद दूसरे इंडेक्सेस को भी थोड़ा सा ट्रबल कर सकता है फिर, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग्स इसमें हैं, बहुत सारे, इनका अनवाइंडिंग प्रेशर या मार्जिन प्रेशर दूसरे पर भी प्रेशर डाल सकता है उस हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं वो है 10,550, उसके नीचे 450, रेजिस्टेंस 725, उसके ऊपर 10,825। चलिए अब मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी हो गया, अब फिन निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। फिन निफ्टी को कवर करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट की इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। फिन निफ्टी में आज लॉन्ग लोअर शैडो वाला कैंडल बना है, आप देख सकते हो कितना बड़ा विक है बॉडी के सामने। लॉन्ग लोअर शैडो मतलब नीचे से बाइंग सपोर्ट जोर का आया, जो वापस टुवर्ड्स द अप लेकर गया है वहां से। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,600 पर है फिलहाल, 21,600 आज का हाई से थोड़ा कम, कल के हाई के पास 21,600, उसके ऊपर निकला तो यस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। बट अगेन याद रखिए क्लाउड के अंदर है, क्लाउड के अंदर टर्बुलेंस ज्यादा होता है, और सपोर्ट जो है 20,300 आज के लो से थोड़ा कम, ये जो इचिमोकु का कन्वर्जन लाइन है उसके पास इस समय सपोर्ट है। तो ये दो लेवल है कल के लिए, देखते हैं क्या करता है। फ्राइडे भी है, क्लाउड के अंदर है पूरा, बजट का मेन रिएक्शन कल से आना शुरू होगा, अगर कुछ फाइन प्रिंट में ऐसा वैसा है वो कल हमें पता चल जाएगा उसमें। प्लस रिजल्ट सीजन फुल ऑन है इस समय, 20,500 का कॉल पुट देख रहा हूँ बिकॉज उसके वहीं बंद हुआ है स्ट्रैडल, तो कॉल हमने इसको देखा था। ये अब रेजिस्टेंस देखिए यहाँ आ गया 195, और ये तो पहले से तगड़ा रेजिस्टेंस है 215 का, इतना इजी नहीं होगा निकालना 215, ये निकालता है तो फिर 240, फिर 275 वैसे, बट फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया 195, फिर 215। सपोर्ट कहाँ है इसका, सपोर्ट खोजते हैं थोड़ा सा नियर बाय से चेक करके, एक जो स्लिप आया ऊपर देखते हैं 125, 115 और उसके नीचे 100 रुपए का सपोर्ट है इसके केस में, काफी साइडवेज है आप देखो ये वाला, और वॉलेटाइल, यही मार्केट का मैं बता रहा है सीन। अगर स्टॉक में ऐसा मूवमेंट होता है तो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट ऑप्शन में जो स्पीड से मेल्टिंग फिर वापस गेन फिर मेल्टिंग, ये राइटर के लिए भी डायलेमा है और बायर के लिए भी, खाली स्विंग ट्रेडर के लिए फायदा है, पोजिशनल ट्रेडर दोनों साइड इसमें फंस जाते हैं, दोनों कहीं नहीं निकलते हुए, एकदम शार्प मूवमेंट्स आइधर साइड, इजी मार्केट नहीं है फिलहाल ट्रेड करने का ये वाला सिनेरियो। 20,500 का पुट देखते हैं, यहाँ एकदम लोज पे बंद हुआ है आज, आज आईवी क्रश भी हुआ क्योंकि आज इवेंट खत्म हो गया, कल फेड, आज बजट, तो आज वो प्रीमियम मेल्टिंग भी जबरदस्त था आज पूरे दिन में। सो यहाँ पर कहाँ है सपोर्ट नीचे की तरफ, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम।
1.41, 0.78, यस 7-8 है आपका, 100 पर है फिर तो एकदम सीधा 40, तो सपोर्ट तो बहुत खतरनाक 78 के नीचे इसके लिए खत्म होने जैसा सीन बन जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पर थोड़ा सा है 155 to 160, ये निकालता है तो फिर इधर 180 बड़ा वाला रेजिस्टेंस इधर है 200 के पास। इतना इजी नहीं होगा इसके लिए 200 निकालना, इस कॉल के लिए 200 के ऊपर सस्टेन मतलब सुपर डुपर रैली की तैयारी इसमें उस हिसाब से। पुट चेक कर लेते हैं, पुट चेक किया मैंने ना, पुट यस पुट चेक कर लिया, पहले कॉल चेक करते हैं आप, सॉरी कॉल को चेक कर लेते हैं, ओ सॉरी मैंने दोनों चेक कर लिया, माय बैड माय बैड, एकदम सॉरी। अब चलते हैं हम इसके ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में यहाँ एडिशन 20,500, 20,550, 20,400, नीचे कंटिन्यूस है, चुर चुरमुर करके सब जगह राइटिंग, बट इतना ज्यादा नहीं, इतना मनी कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा है कॉन्वाइंडिंग, 2,500 पर बहुत एडिशन है, कंसोलिडेशन पर एडिशन, और अब 20,500 का जो पीसीआर कल एकदम फ्लैट था अब वो बेरिश हो गया है 20,500 का। यहाँ पर भी एडिशन है, पर अगेन जिस तरीके का उधर एडिशन है पुट साइड, इधर भी दोनों साइड का टक्कर, मेन एडिशन सीधा 2,800 पर थोड़ा आज देखने को मिल रहा है। सो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 2,325, उसके नीचे 2,150, रेजिस्टेंस 2,700, उसके ऊपर 20,900। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी आज एक लॉन्ग लोअर शेडो कैंडल है, आप देखिए नीचे से जाके 45,600 से और 700 से सीधा लपक के ऊपर 500 पॉइंट मारा वहां से, और एकदम डे हाई पर डोजी कैंडल से बेटर होगा इसको लॉन्ग लोअर शेडो कैंडल बोलना, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा उस हिसाब से बता रहा है। तो कल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो है इसमें 46,300 पर, 46,300 उसके ऊपर आज का हाई है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये 46,500 निकालना फिर थोड़ा सा इजी होगा उसके लिए, बिकॉज एक अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुका है, और सपोर्ट जो है वो 45,850 पर है, 45,850 का सपोर्ट इधर पर क्रूशल है, उसके नीचे सस्टेन होना माना फिर से प्रेशर में बैंक निफ्टी आ सकता है ऑल द वे डाउन 45,300 तक। चलिए चेक करते हैं 46,200 के स्ट्रैडल को कॉल पुट, तो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 480, इसके बाद रेजिस्टेंस 550, बड़ा वाला रेजिस्टेंस सीधा 675 पर है, इसका सपोर्ट 420, फिर सीधा नीचे आता है 350, 300। 46,200 का पुट देख लेते हैं एकदम लोज पे बंद होते हुए, कहाँ है सपोर्ट 350, फिर 285, फिर सीधा 175 में जाता है सपोर्ट इसका, और रेजिस्टेंस कहाँ है इस पुट का? इमीडिएट रेजिस्टेंस तो ये है 500, अगर कल पूरा दिन फ्लैट रहता है तो फिर मेल्ट फर्दर होने जाती है, क्योंकि कल आज फर्स्ट डे था तो मेल्टिंग थोड़ा स्लो होगा, तो और अगर स्ट्रांग रहा मार्केट तो 500 भी नहीं कर पाए, 500 भी वॉल बन जाएगा, नहीं तो अगर मार्केट फ्लैट से ऊपर थोड़ा वीक रहता है तो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस इधर आता है इसका 625 से 650 पर, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सीधा 775, ये तो बहुत बड़ा है, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा रिजेक्शन हुआ था 840 पर, यहाँ पर इसका
चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं इसका। तो ऑप्शन चेन में आज बैंक निफ्टी पर काफी पेनिट्रेशन, इन द मनी में भी एंट्री हो गया, नीचे में भी। जो बैंक निफ्टी के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस जोरदार इस समय, एकदम नॉन स्टॉप राइटिंग करते समय। कॉल साइड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, एडिशन पर इधर भी है नीचे में। जो मार्केट एक बार इतना वॉलेटाइल था, डाउन बहुत लोगों ने लिखा है वैसे, और एडिशन ये वाले राइटर 46,000, क्योंकि राउंड फिगर साइकोलॉजिकल है। यस राइटर है, बट ओवरऑल राइटर देखिए कितना ऊपर में, 46,500 साइकोलॉजिकल के वहां पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। नीचे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है इसमें, बट है दोनों साइड टक्कर का कोशिश कर रहे हैं। कल क्लैरिटी मिल जाएगी हमें इसमें, जैसे ही मार्केट फर्स्ट आवर में अपना मूवमेंट दिखाएगा। 46,100 का आप कॉल पुट देखो तो एकदम पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट है ये, एकदम माइनर पॉजिटिव है, माइनर पॉजिटिव इस समय। तो देखते हैं कल से क्या मूवमेंट, ये वाला कॉल पुट दिखाते हैं हमें डायरेक्शन ऑफ बुलिशनेस या बेरिशनेस इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 45,750, उसके नीचे 45,350, रेजिस्टेंस 46,600, उसके ऊपर 47,000। चलिए अब लास्ट में हम निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी में आज माना रिएक्शन दोनों साइड, एक तो उसको सबका वेटेज देखना पड़ता है इधर उधर पटकते हुए। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,775 का, 21,775 आज का जो ओपन है वो, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर सीधा ये जो गैप एरिया है इसका अटेम्प्ट लेगा निफ्टी इसके ऊपर इस जोन में। तो देखते हैं कल अपसाइड जाता है कि यहाँ रुकता है, क्या करता है। तो ये एक दो क्रूशल, ये क्रूशल लेवल है फर्दर अपसाइड के लिए इसमें। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट 21,625 पर, ये रहा डेली का किजुन इजीमुकु का 21,625। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकती है निफ्टी में। तो काफी क्लोज है एक दूसरे से, एक डाउनसाइड 75 पॉइंट ऊपर में, सो अनदर 75 पॉइंट। तो देखते हैं कल क्या डायरेक्शन हमें मार्केट दिखाता है। तो 21,700 का स्ट्रैडल चेक कर रहा हूँ कॉल पुट, और कॉल तो एकदम लोस के पास बंद हुआ है, जाके एकदम नीचे, एकदम 31st का लो तो आज वापस उसके नीचे। तो अब सपोर्ट कहाँ है, पहले सपोर्ट मेजर कर लेते हैं फिर हम रेजिस्टेंस देखेंगे। यस, और सपोर्ट जो है वो एकदम वही बंद हुआ है, इसके नीचे सीधा 115 पे सपोर्ट आता है और फिर फर्दर डाउन कहाँ तक हमें ढूंढना चाहिए सपोर्ट वो देख लेते हैं हम इधर 95, और फिर फर्दर स्लिप होते जाएगा ये वाला। रेजिस्टेंस कहाँ है? इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वैसे 190 है, बट वो काफी क्लोज है, कल फर्स्ट डे है एक्सपायरी का उसका, और उसके ऊपर यहाँ पर दो तीन कैंडल है देख रहे हैं मुझे, ये 225 से 30 और फिर 240, ये 225 से 240 एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। 25 से 50 पकड़ लीजिए आप, अबव 190, उसके ऊपर निकला तो सीधा 315 तक जा सकता है कॉल, फिर तो एकदम बम बम उसके ऊपर। 20,700 का पुट, ये भी एकदम ज्यादा नहीं, काफी डाउन है, स्लो लोअर लो बनाते हुए नॉन स्टॉप। इसका कहाँ है सपोर्ट, पहले वो चेक कर लेते हैं। 140, फिर 115, फिर 80 रुपीज स्लिप हुआ अगर वैसा कुछ हुआ इसमें। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है 190 से लेके 205, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इतना इजी नहीं है। एक दो ये वाला, ये लेवल अगर निकाल देता है 190 से 205 तो सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 250 से 270 और फिर बड़ा वाला 365 पर। अगर 365 ये पुट चला गया तो आप समझ सकते हो निफ्टी कहाँ चला जाएगा, ये बड़ा रेजिस्टेंस है 365 वाला,
इसके केस में, उस हिसाब से। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में एडिशन ही एडिशन, 21,700 पर भी एडिशन, 21,800, 750 सब जगह एडिशन, यहाँ 22,000 तक एडिशन है। नीचे में भी कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए जोरदार एडिशन पुट राइटर का। निफ्टी में ऑप्शन राइटर बुलिश, पुट कॉन्फिडेंस बहुत। कॉल साइड बहुत नॉमिनल प्रॉफिट बुकिंग 21,450, राइटर अभी भी 700 में और 500 पर और एडिशन होते हुए 600 पर भी, 650 पर भी, और यहाँ पर आया बाय सेलर, जोर का सेलर 21,700। उसके बाद 800 पर, बट अगेन इधर भी वही दिखा रहा है कि पुट राइटर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यहाँ 22,000 पर जबरदस्त राइटिंग, 22,000 काफी दूर है वो। इस समय जो पुट कॉल रेशियो है 21,700 का, वो बुलिश है, काफी बुलिश है 21,700 का। तो कल का हिंट इससे भी मिल जाएगा, अगर कॉल साइड में हैवी राइटिंग होती है तो समझिए डिफिकल्ट हो गया क्रॉस करना, और पुट साइड में उसे सारा। और इधर आइडिया रखिएगा कि 775 एक वॉल है 21,775 कल के लिए। अगर ये वाला भी बैलेंस ये यहाँ ओआई बढ़ते जा रहा है अगर, तो समझिए ये लेवल रेडी कर रहे हैं वो लोग, वो जो गैप है 850 टू 950 का, उसको कवर करने के लिए। तो ये सब हिंट्स कल ही मिल जाएंगे हम मार्केट। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए वो है 21,500, उसके नीचे 21,300, रेजिस्टेंस 21,900, उसके ऊपर 22,100। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।